कलाकारी और होशियारी से मल्लिका जान ने हीरा मंडी में अपनी सल्तनत जमाई है और ये डायलॉग मनीषा कोइराला ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। मनीषा कोइराला इस मल्लिका जान वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोलता है और ये मल्लिका जान को इंट्रोड्यूस करते हुए एक बेस्ट वीडियो है जिसमें वो मनीषा के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका कॉस्ट्यूम, पीछे का बैकग्राउंड और बीजीएम, ये सब उनके बोल्ड अवतार का और भी ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है। हीरा मंडी की पूरी स्टार कास्ट में से अगर फैंस एक्साइटेड है तो मनीषा कोइराला के कमबैक के लिए, जो ऑलमोस्ट 3 decades के बाद संजय लीला बंसाली के साथ रीयूनियन करने जा रही हैं, जिनके साथ SLB ने अपनी डेब्यूटेंट मूवी खामोशी डायरेक्ट की थी। इस रोल के लिए जिस तरह के सबटाइटल, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस की जरूरत है, वो सभी मनीषा के एक ट्रू परफॉर्मर की तरह एक्सप्रेस कर रही हैं। और उनका ये 28 साल के बाद का जो कमबैक वो करने वाली है वो काफी एक्साइटिंग बताया जा रहा है। मल्लिका जान के साथ साथ नेटफ्लिक्स ने शेखर सुमन एज जुल्फिकर को इंट्रोड्यूस करते हुए वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें जुल्फिकर अपने कानून खुद बनाता है। डायलॉग इज गुड और शेखर की डायलॉग डिलीवरी और उनकी कॉस्ट्यूम इस कैरेक्टर के लिए अच्छे नजर आते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम शेखर सुमन को इतने सालों बाद एक्टिंग करते हुए देखेंगे और वो भी एक वुमेन लीडिंग सीरीज में, एक छोटे से कैरेक्टर में। लेकिन SLB मूवीज में हर कैरेक्टर की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है, तो अब देखना ये होगा कि जुल्फिकर अपनी चालबाजियों से मल्लिका जान को अपने रास्ते से कैसे हटाते हैं। इन दोनों ही कैरेक्टर इंट्रोडक्टरी वीडियोस के अलावा अभी तक और कोई वीडियो रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आज के दिन फिल्म के सभी मेन कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियोस आने के पूरे चांसेस है। मनीषा कोइराला के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर्स के लिए भी फैंस काफी एक्साइटेड है, क्योंकि उनका गाना और ट्रेलर में उनका परफॉर्मेंस देखकर ये लगता है कि फाइनली हम असली सोना के ट्रू पोटेंशियल को देखने वाले हैं। क्योंकि सोनाक्षी एक काफी ब्रिलियंट एक्ट्रेस है और उनकी लास्ट वेब सीरीज दहाड़ में उनकी बोल्ड लुक को देखने के बाद हीरा मंडी में उनके कैरेक्टर को देखने के लिए हम काफी एक्साइटेड है, क्योंकि सोनाक्षी हमेशा से ही काफी अच्छे स्क्रिप्ट्स चूज करती नजर आती हैं और ओवर द इयर्स हम उनकी एक्टिंग पोटेंशियल को देखते हुए नजर आए हैं। और इसमें तो वो एक विलेनियस कैरेक्टर प्ले कर रही है जो और भी एपिक होने वाला है। उनके साथ साथ अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर भी देखने जैसा होगा, जो मल्लिका जान की बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो आगे चलकर क्रांतिकारी लड़ाई का भी हिस्सा बनने वाली हैं। और सिर्फ विजुअल वाइज ही नहीं, लेकिन अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाती हैं। इन दोनों ही इंट्रोडक्टरी वीडियोस में हमें इंतजार है। और आपको हीरा मंडी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.